दिल्ली पर जो बिल आज राज्यसभा में आया है, अभी अभी खबर मिली है कि वो पास हुआ है। इससे पहले लोकसभा में भी पास हुआ था। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो संघीय ढांचा सोचा गया था, जिसमें दिल्ली को कभी पूरा राज्य ना देने की बात थी, जिसमें भारत सरकार और दिल्ली सरकार को मिलके कई आयामों में साथ करने की बात कही गई थी, और एक तरीके से इस बंटवारे में जो सर्विसेज हैं, जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, उन पर जितना दिल्ली सरकार का वर्चस्व और कंट्रोल रहना चाहिए, उतना भारत सरकार का भी होने का था। और ये सिस्टम कई वर्षों से दिल्ली में बेहतर तरीके से चल रहा था। दुर्भाग्य से जब से केजरीवाल यहाँ आया है, उसने केवल और केवल राजनीति देखकर, जिस बदतमीजियों से, जिस गैर संवैधानिक व्यवहार से उसने दिल्ली को चलाने की कोशिश की और भारत सरकार से बार बार झगड़ा कर केवल राजनीतिक फायदा उठाने की बात की, इसी कारण से ये बिल भी आया। अन्यथा ऐसी किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। मैं ये नहीं कुछ कहूंगा कि मुझे कोई संतोष है या कोई वो है कि ये बिल पास हुआ या नहीं, पर मुझे लगता है कि जिस स्थिति में लोगों ने हमेशा समझा था कि दिल्ली को एक भारत सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में एक साझी सरकार के रूप में चलाया जाएगा, इस बिल के पास होने के बाद शायद वो यथास्थिति बनती है। अब मैं आशा करूंगा कि फिर से रोने धोने और उल्टी सीधी बातें करने और बयानबाजी के अलावा कोशिश करेगा केजरीवाल को, जो 9 साल में उसने काम नहीं किया है दिल्ली में, कम से कम ये बचे हुए 1-1.5 साल में कुछ तो वो काम दिल्ली के लिए जरूर कर